हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं दैट इज़ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी क्वेश्चंस लेके जाता है आपके. सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है. तो पहले तो ये समझना पड़ेगा आपको कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, उसके बाद ही आप आगे डिस्कस कर सकते हो, ठीक है. उससे पहले हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में देखें. आपको पहले इसकी कंडीशन समझ लेनी चाहिए कि व्हाट आर द कंडीशंस, किस किस कंडीशन पे ये चीज़ लागू करते हैं हम लोग. फर्स्ट थिंग, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट, या बोलें वेरी डाइल्यूट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट सॉल्यूशन. ठीक है, तो इसकी कंडीशंस क्या हैं, आपको क्लियर हुई किस किस की प्रॉपर्टीज हैं ये? इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ वेरी डाइल्यूट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन वॉलेटाइल डाइल्यूट सॉल्यूशंस. इसकी बेसिकली प्रॉपर्टी है, ठीक है. तो अब इसको डिफाइन कीजिए, व्हाट इज़ एक्चुअली द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है, इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट हूज वैल्यू डिपेंड ऑन कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स. कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करती है, ठीक है, बट डू नॉट ऑन, या बट डू नॉट डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल आइडेंटिटी ऑफ सॉल्यूट. इंडिविजुअल आइडेंटिटी ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है. तो एक डेफिनेशन तो उसकी ये होगी कि वो सॉल्यूट सॉल्यूशन के अंदर कितने सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं उनकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी, ना कि इस बात पे डिपेंड करेगी कि सॉल्यूट का नेचर कैसा है, सॉल्यूट क्या है आपका, ठीक है. इसी को हम एक और टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को ही, दैट इज, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ नॉन वॉलेटाइल डाइल्यूट सॉल्यूशंस. इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट सॉल्यूशन हूज वैल्यू डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स. नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन but not on nature of solute particle, ठीक है. तो ये भी इसकी एक और अल्टरनेट डेफिनेशन बन जाती है आपकी, got it. एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जितनी भी ये मेजर्ड कॉलिगेटिव, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यहाँ से आती है उसको बोलते हैं मेजर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. तो जितनी भी मेजर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये जो मेजर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है आपकी, इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट. मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये बात ध्यान रखिए आप, आगे काफ़ी ज़्यादा काम आएगा आपका ये चीज़ कि मोल्स पे डिपेंड करती है, मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करती है सॉल्यूट की. चार तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है आपकी. रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कौन कौन सी है? फर्स्ट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको मैं RLVP कहूँगा, ठीक है. तो फर्स्ट ये है. सेकंड आती है आपकी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. थर्ड इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड फोर्थ इज ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है. फोर्थ आपकी आती है ऑस्मोटिक प्रेशर, क्लियर. तो ये तो थी आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जस्ट एक इंट्रोडक्शन. अब बात करते हैं इन पे एक एक करके.
तो फर्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आती है आपकी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्वेश्चन कैसे से आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, बट इसका थियोरेटिकल कंसेप्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए आप पर्टिकुलरली फोकस रहिए। सो फर्स्ट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, देखिए रॉल्स लॉ ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स में हमने एक बात की थी, दैट इज अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सॉल्यूशन। मैं इसको NVS कह रहा हूँ कि वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का होता है, इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सॉल्यूशन का कोई एग्जांपल लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप मान लीजिए एक आपने कंटेनर लिया, इस कंटेनर के अंदर क्लोज कंटेनर लिया आपने, ठीक है, इस क्लोज कंटेनर के अंदर आपने ले लो NaCl सॉल्यूशन, नॉन वोलेटाइल है। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें जो सॉल्यूट है वो सॉलिड है, ठीक है, और जो आपका सॉल्वेंट है वो कैसा है आपका, दैट इज़ लिक्विड। सॉल्यूट के बेसिस पे ही बात की जाती है, दो टाइप के सॉल्यूशन है, वेदर इट इज़ वॉलेटाइल, वेदर इट इज़ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिया जैसे NaCl प्लस वाटर का सॉल्यूशन, तो ऑब्वियसली बात है कि कुछ पार्टिकल सरफेस लेयर के किसके होंगे, सॉल्यूट के होंगे आपके, ठीक है। अब कुछ पार्टिकल अगर सॉल्यूट के होंगे और जब मैं इसको हीट करूँगा, क्लोज चैम्बर है तो हीट करेंगे तो वेपर्स बनेंगे, लेकिन वो वेपर्स किसके बनेंगे, ये वेपर बनेंगे किसके, दैट इज़ वाटर के, लिक्विड के। तो ये तो आपका था यहाँ पे सॉल्यूट, ये था आपका यहाँ पे सॉल्वेंट, ए फॉर सॉल्यूट बी फॉर सॉल्यूट, ए फॉर सॉल्वेंट बी फॉर दैट इज़ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट के पार्टिकल एक वेपर प्रेशर क्रिएट करेंगे ऑन द सरफेस लेयर, ठीक है, उसे हम बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे तो ये जो प्रेशर बना रहे हैं ये प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन होगा, या भी इसको कह सकते हैं प्रेशर ऑफ ए, क्योंकि सॉल्वेंट के पार्टिकल ही प्रेशर क्रिएट करेंगे और उसी प्रेशर जो एग्जर्ट होगा एट इक्विलिब्रियम, दैट इज टर्म्ड एज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सॉल्यूशंस। तो यहाँ पर बात आ रही है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसने बनाया, यहाँ पर वेपर प्रेशर बनाया आपके सॉल्वेंट पार्टिकल ने, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब देखो मोल फ्रैक्शन क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ थी, सॉल्यूट भी था और सॉल्वेंट भी था, तो इनमें से कौन रिस्पॉन्सिबल है फॉर द वेपर प्रेशर, तो वो होगा आपका दैट इज़ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स। तो टोटल मोल्स तो वन थे यहाँ पे, लेकिन सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल वेपराइज हुए और वही प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ ये बात कही जा सकती है। और वी वेरी वेल नो जब इसको हटाते हैं कॉन्स्टेंट आता है कॉल्ड एज पी नॉट ए डॉट एक्स ए, फिर पी नॉट ए इज व्हाट इज पी नॉट ए, पी नॉट ए इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब आगे देखिए, तो पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए डॉट, अब एक्स ए को लिखा जा सकता है 1 माइनस एक्स बी, क्योंकि एक्स ए प्लस एस बी इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, मोल फ्रैक्शन टोटल 1 होता है, तो इसमें से अगर 1 में से माइनस कर देंगे तो बन जाएगा, ओपन कर दीजिए इसको तो क्या बनेगा, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए डॉट एक्स बी दैट इज पी ए, ठीक है। पी ए क्या है, पी नॉट ए क्या है, एक्स बी क्या है, एक्स ए क्या है, ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपको, दैट इज पी ए इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, और नॉन वोलेटाइल के केस में तो ये तो सॉल्यूशन का भी वेपर प्रेशर होगा यहाँ पे, पी नॉट ए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। अब जरा यहाँ पे इसको यहाँ लाते हैं तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ पी नॉट ए प्लस पी ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ पी नॉट ए डॉट एक्स बी, माइनस से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बन जाएगा पी नॉट ए प्लस माइनस ऑफ पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए डॉट एक्स बी। नाउ इस टर्म को ज़रा ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, यहाँ पे एक चीज़ आती है कि पी नॉट ए डॉट माइनस ऑफ पी ए मतलब प्योर में से सॉल्यूशन के अंदर, देखो दो कंडीशन है, पी नॉट ए माइनस पी ए जिसको मैं डेल्टा पी कहता हूँ अभी, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसके कंसेप्ट को देखिए आप आगे, देखिए यहाँ पे बना आपका दैट इज़ पी नॉट ए माइनस पी ए जो किसके बराबर था, जो बराबर था आपके पी नॉट ए डॉट एक्स बी के। यहाँ पर बेटा एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो टर्म है इसे बोला जाता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग का मतलब कमी आई भाई, वेपर प्रेशर जो होता है प्योर सॉल्यूट का हमेशा मैक्सिमम होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, चाहे वो वोलेटाइल हो चाहे नॉन वोलेटाइल हो, ये पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं।
तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात आ रही है, तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर प्योर का मैक्सिमम होगा, लेकिन सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट है उसका वेपर प्रेशर हमेशा कम ही होगा, बिकॉज कुछ पार्टिकल सरफेस लेयर के किसने ऑक्यूपाई कर लिए, सॉल्यूट ने कर लिए, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर में डिक्रीमेंट आता है। ठीक है, ठीक। अब ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इट्स नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है या रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, दोनों में से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है? तो हमेशा याद रखना, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज़ नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब थोड़ा और रीअरेंज करते हैं, दैट इज़ पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल्स टू एक्स बी। इट इज़ द अनदर डेफिनेशन ऑफ रॉल्स लॉ फॉर एन वी एस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सॉल्यूशन, दैट इज़ रिलेटिव लोअरिंग। इस टर्म को हम क्या बोलते हैं? दिस टर्म इज़ नोन एज रिलेटिव लोअरिंग। इसे कहा जाता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। इट इज़ ऑल्सो अनदर डेफिनेशन फॉर दैट इज नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सॉल्यूशन। अब ये जो टर्म है, इट्स अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, इट्स अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो बेटा पहला क्वेश्चन यहाँ पे यही बन जाता है कि प्रूफ डेट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, फर्स्ट सेट क्वेश्चन। थियोरेटिकल क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, नाउ सी फर्स्ट क्वेश्चन कि प्रूफ डैट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, प्रूफ करना है आपको। तो हमने ये चीज़ तो ड्राइव कर ही ली थी, पी नॉट ए अपॉन पी ए अपॉन पी नॉट ए इज ऑलवेज इक्वल्स टू एक्स बी। ठीक है, मोल फ्रैक्शन को खोल दीजिए आप, तो यहाँ से क्या बनेगा, ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को मैं यहाँ लिख देता हूँ डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए, वेयर डेल्टा पी इज दिस वन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। एक्स बी को ओपन करते हैं तो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी अपॉन द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्यूशन सॉल्वेंट, द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, यही होता है ना। अब एक चीज़ याद रखनी है, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, भाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो यूज़ किया जाता है इट इज़ ओनली फॉर द वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये बात कह चुके हैं हम। फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज वेरी लेस देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, सो वी कैन राइट एन ए प्लस एन बी एज एन ए, ये कही जा सकती है। ठीक है, सो डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए क्या निकल के सामने आया, एन बी अपॉन एन ए आ गया। डिनोमिनेटर टर्म में ये बहुत ज़्यादा कम होगा, सॉल्यूशन में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सॉल्यूशन पे एट ऑल, बहुत ही माइन्यूट चेंज आएगा, इसको हम नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, तो वी कैन नेगलेक्ट आउट दिस थिंग नाउ। सो डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एज इट इज़ रहता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को ओपन कीजिए, सॉल्वेंट को जब ओपन करेंगे तो आएगा दैट इज़ वेट ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई विद मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। याद रखो यहाँ टर्म्स जो हैं वो ए से मैं डिनोट कर रहा हूँ सॉल्वेंट को और बी से मैं डिनोट कर रहा हूँ दैट इज सॉल्यूट को। नाउ सी दिस थिंग, ये क्या निकली, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वेट ऑफ सॉल्यूट, दिस इज कॉल्ड एज मोलैलिटी। तो डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल्स टू मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई विद मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। सो बेटा प्रूफ हुआ, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कहा जाता था कि सॉल्यूट पार्टिकल के किस पर डिपेंड करता है, टू ओनली डिपेंड ऑन द कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। सो वी कैन से दैट डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, हैंस इट्स अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। भाई मोलर मास तो कांस्टेंट ही होता है किसी भी सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का, तो उससे तो मतलब नहीं, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी साइन रहेंगे तो कांस्टेंट आ गया। ऑलराइट, तो इस तरह से आप इस चीज़ को प्रूफ करते हो। अब यहाँ से बहुत सारी एप्लीकेशन सामने आएंगे आपके, वो सारी कुछ डिस्कस करनी है आपको। एक और क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ अननोन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट फ्रॉम द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये भी क्वेश्चन थियोरेटिकल बन जाता है, कैसे सॉल्व करना है ये देखिए आप। सो अनदर क्वेश्चन सी, क्वेश्चन इज कैलकुलेट द
मोलर मास ऑफ अननोन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट फ्रॉम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इससे आपको पता करना है किसी भी अननोन सॉल्यूट का मोलर मास पता करना है, ठीक है। मोलर मास ऑफ अननोन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सॉल्यूशन फ्रॉम द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखिए बेटा, अभी आपने एक चीज़ ड्राइव की थी, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए इज ऑलवेज इक्वल्स टू, दैट इज सीधा लिख देते हैं, मोलैलिटी ऑफ बी डॉट एमएमए, यही था। मोलैलिटी को ओपन कर दीजिए, व्हाट इज मोलैलिटी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। जरा इसको ओपन कीजिए जरा। अब आपको मोलर मास चाहिए तो नंबर ऑफ मोल्स को तो ओपन करना पड़ेगा ना, तभी मोलर मास सामने आएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स को ओपन करते हैं, तो वेट ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ बी इनटू केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर दें तो 1000 अपॉन वेट ऑफ ए इन टर्म्स ऑफ ग्राम मल्टीप्लाई विद एमएमए, राइट। नाउ देखिए, आपको मोलर मास ऑफ सॉल्यूट दिखाई देने लग गया, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को यहाँ ले जाइए बेटा। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज ऑलवेज इक्वल्स टू वेट ऑफ बी अपॉन डेल्टा पी इनटू पी नॉट ए अपॉन वेट ऑफ ए इन टर्म्स ऑफ ग्राम इनटू 1000 या इनटू मोलर मास सॉल्वेंट इनटू 1000। ये रिलेशन डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स में पुट ऑन होगा आपका, राइट। सो यहाँ से क्या क्या चीज़ें आपकी अप्लाई होगी, पहली चीज़ जो यहाँ से आपको रिजल्ट मिलेगा वो चीज़ ध्यान रखिए कि डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स ऑफ पी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है। ये आगे जा के आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा, काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से पुट ऑन होंगे तो वो ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका थियोरेटिकल पोर्शन, अब इसमें न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं वो चीज़ डिस्कस करिए। और जस्ट सी, जो प्रीवियस ईयर में कुछ न्यूमेरिकल्स आए हैं, देखिए बेटा, फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन आता है, दैट इज यूरिया फॉर्म्स एन आइडियल सॉल्यूशन विद वाटर, विद वाटर, ठीक है। डिटरमाइन द वेपर प्रेशर, डिटरमाइन द वेपर प्रेशर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया कंटेनिंग 10% बाय मास ऑफ यूरिया एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड। और वेपर प्रेशर दे रखा है आपको वाटर का, दैट इज वाटर का दे रखा है 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे दे रखा है आपको, वेपर प्रेशर इज 55.3 mm, ठीक है। ऑलराइट, नाउ सी, ये जो वेपर प्रेशर गिवन है आपका, सबसे पहली चीज़ क्वेश्चन को रीड करके हमेशा पहला कंसेप्ट लिखा जाना चाहिए, दैट इज कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपको गिवन है, गिवन क्या क्या हुआ। देखिए सबसे पहले तो यहाँ बोला 10% बाय मास, ये 10% बाय मास जो पॉइंट गिवन है इट इज़ वेट बाय वेट, ठीक है, परसेंटेज में दे रखा है। तो जब भी बाय मास बोलें तो इसका मतलब वेट बाय वेट परसेंटेज आपको गिवन हो गया, डेट इज़ 10। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 10 ग्राम ऑफ यहाँ सॉल्यूट क्या है, यूरिया, सॉल्वेंट क्या है, वाटर, तो 10 ग्राम ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, 100 ग्राम वाटर के अंदर ही प्रेजेंट है, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। ये वेट बाय वेट परसेंटेज की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप बात कर सकते हो इसकी। सेकंड थिंग, वेट ऑफ सॉल्यूट, अब देखो 10 ग्राम अब इसको रीड करोगे तो आपके पास वेट ऑफ सॉल्यूट पता लग गया, दैट इज 10 ग्राम, ठीक है। वेट ऑफ सॉल्वेंट, अच्छा 10 ग्राम कैसे करते हैं, दैट इज व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वेट परसेंटेज का मतलब होता है वेट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो ये 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन है ना कि वाटर,
तो वेट ऑफ सॉल्यूशन पता लग गया हमको, डेट इज़ 100 ग्राम। तो बेटा इनडायरेक्टली आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट पता लग गया, डेट इज़ वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस दिस, ठीक है। तो डेट इज़ 100 माइनस 10 कर देंगे तो डेट इज़ 90 ग्राम आ गया। तो ये तीन चीज़ें तो हम इसी चीज़ को रीड करके पता कर सकते हैं, ठीक है। अब क्योंकि यूरिया बोल दिया है तो मोलर मास ऑफ यूरिया फिक्स होता है, दैट इज़ 60, ठीक है। वाटर बोल दिया तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट भी फिक्स हो गया, डैट इज़ 18, राइट। अब और क्या चीज़ चाहिए आपको, और क्या गिवन है आपको, डैट इज़ वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, प्योर वाटर। तो इसका मतलब पी नॉट ए गिवन हो गया आपको इस टेम्परेचर पे 55.3 mm, ठीक है। और आपसे पूछा गया है यूरिया फॉर्म्स एन आइडियल सॉल्यूशन विद वाटर, डिटरमाइन द वेपर प्रेशर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। मतलब आपको वेपर प्रेशर निकालना है किसका, दैट इज़ पी का, सॉरी यहाँ पे वेपर प्रेशर क्रिएट करना है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन, और यूरिया जो है वो आपका क्या करेगा, डिसॉल्व, इट्स अ नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ये बात याद रखना। एनी कंपाउंड इट्स अ कोवलेंट कंपाउंड, और कोवलेंट कंपाउंड जितने भी होते हैं जनरली नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, तो पानी के अंदर डिसॉल्व होगा नहीं। तो यहाँ पर आपको वेपर प्रेशर दे रखा है ऑफ सॉल्यूशन, जिसको हम बोलेंगे पीएस, आपको पता करना है। तो इतनी बातें तो आपके पास हो गई गिवन। अब सीधा सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, फॉर्मूला क्या था आपके पास, दैट इज़ पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल्स टू, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी होता है, मोल फ्रैक्शन को बी को आप ओपन ओपन कर सकते हो, डैट इज़ दिस अपॉन दिस, सीधा सा, ठीक है। तो या तो आप सीधा मोलैलिटी वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो कि मोलैलिटी ऑफ बी डॉट एम एम ए, और मोलैलिटी को ओपन कर सकते हो आप, दैट इज़ वेट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी सॉल्यूट अपॉन द वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 1000 इंटू एम एम ए, ठीक है। अब ज़रा देखो क्या क्या चीज़ आपके पास गिवन है, ठीक, क्या आपके पास वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, बिल्कुल है, गिवन है। तो ये चीज़ आ गई, ये चीज़ हमें निकालनी थी भाई, पी एस यहाँ पे जो होगा नॉन वोलेटाइल के लिए पी ए ही होगा, ये चीज़ गिवन हो गई। फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिल्कुल निकल जाएगा, वेट अपॉन मोलर मास, वेट अपॉन मोलर मास करके निकाल लेंगे, ये भी आ गया। वेट ऑफ ए पता लग ही गया, ठीक है, 1000 एक फैक्टर है, मोलर मास ऑफ ए पता लग गया। तो आई थिंक सारी चीज़ गिवन है, से पी ए आपको निकालना है, यू कैन ईजिली सॉल्व दिस, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा रफली इसको सॉल्व कर देता हूँ, देखिए तो जो डेटा गिवन था उसके थ्रू इंटरप्रेट करने पे आपको पता चल गया, दैट इज़ पी नॉट ए माइनस ऑफ पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल्स टू वेट ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ बी इनटू, ये तो हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अपॉन द वेट ऑफ सॉरी मोलर मास ऑफ ए, ठीक है, इनटू 1000 अपॉन वेट ऑफ ए इन टर्म्स ऑफ ग्राम। नाउ पुट द वैल्यूज, ये आ जाएगा 55.3 माइनस पी ए, हमें पता करना है 55.3, वेट ऑफ बी कितना होगा, वेट ऑफ बी आपका होगा डेट इज़ कितना था 10 ग्राम, मोलर मास ऑफ बी, मोलर मास डेट इज़ सॉल्यूट यूरिया था आपका, इंटू मोलर मास ऑफ ए वाटर था तो 18, दैट इज़ 90 इंटू 1000, ठीक है। अपॉन सॉल्विंग पी ए यू गेट 53.46 mm, गॉट इट, सो सिंपल। तो कोई भी क्वेश्चन को रीड करके आपको कंसेप्ट ये देखना है कि उसके अंदर क्या क्या डेटा इंटरप्रेट है, राइट। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं और उसके बाद आप स्टार्टअप कीजिए, ऑलराइट। अनदर क्वेश्चन इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर दे रखा है आपको इज 23.8 mm। इसका मतलब आपके पास क्या गिवन हुआ, इसका मतलब यहाँ पर गिवन हुआ आपका डेट इज़ पी नॉट ए, ये तो गिवन हो गया, ठीक है। नाउ 50 ग्राम ऑफ यूरिया 50 ग्राम ऑफ
यूरिया इज डिसॉल्व इन 850 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड इट्स रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दो चीज़ पता करनी है। ठीक है, अब ज़रा इसमें हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें गिवन हुई। सबसे पहली चीज़, यहाँ पे सॉल्यूट है आपका यूरिया, सॉल्वेंट है आपका वाटर। ठीक है, तो पी नॉट ए गिवन हो गया, दैट इज़ 23.8 mm। याद रखना बेटा कि प्रेशर की यूनिट्स का कन्वर्जन आपको किस में प्रेशर यूनिट दे रखा है उसी में आपका आंसर आना चाहिए, तो वो चीज़ ध्यान रखनी है आपको। अगर आंसर किसी और में लाता है तो इंटर कन्वर्जन ज़रूरी होगा उसके लिए। सेकंड थिंग, 50 ग्राम ऑफ यूरिया मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट गिवन हो गया 50 ग्राम, किसमें डिसॉल्व है 850 ग्राम ऑफ वाटर। तो 850 ग्राम ऑफ वाटर है यहाँ पे, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट दे दिया आपको 850 ग्राम, और ये भी बोल दिया कि वाटर है। अब ये यूरिया है तो इसका मतलब मोलर मास भी पता लग गया भैया, 60 ग्राम, ठीक है, पर मोल। और वाटर है तो इसका भी मोलर मास पता लग गया, दैट इज़ 18 ग्राम, गॉट इट। और आपसे पूछा है यहाँ पे दो बातें, पहली चीज़ क्या निकालनी है आपको, पहली चीज़ निकालनी है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, पी ए ही होगा, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट दिख रहा है साफ, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के केस में जो सॉल्वेंट होता है वही वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बनेगा। सो पी ए इज इक्वल्स टू पी एस, वो आपको पता करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सिंपल सा फार्मूला फिर से वही कि पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल्स टू क्या होगा, मोलैलिटी डॉट एम एम ए सॉल्वेंट। आप बस ये फॉर्मूला याद रखो, उसके बाद मोलैलिटी को इंटर कन्वर्ट कर सकते हो आप। मोलैलिटी को कैसे इन्वर्ट करोगे, मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन द वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000 इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अब इसको ओपन कर दीजिए नंबर ऑफ मोल्स को, तो क्या बन जाएगा, वेट ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ बी इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ ए इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अब ज़रा देखिए क्या क्या चीज़ें आपके पास आ गई हैं, सिमिलर पीछे वाले केसेस की तरह हो गया। इतना डेटा पढ़ने के बाद में आपको पता लग जाएगा, तो फिर आप सब कुछ काम इजीली कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, नाउ सी, ये तो हो गया यहाँ पे कंसेप्ट। ठीक है, अब ज़रा देखें यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट ऑन कीजिए, वैल्यूज़ क्या क्या है आपके पास। सबसे पहली चीज़ कि पी नॉट कितना है आपके पास, व्हाट इज़ द पी नॉट हियर, पी नॉट इज़ 23.8 माइनस पी ए अपॉन 23.8 इज इक्वल्स टू वेट ऑफ बी, व्हाट इज़ द वेट ऑफ बी हियर, वेट ऑफ बी आपको दे रखा है 50 ग्राम, एम एम बी कितना है आपके पास, एम एम बी 60 मल्टीप्लाई विथ 1000 अपॉन वेट ऑफ ए कितना है आपके पास, 850, ठीक है, इंटू 18। यू कैन सॉल्व दिस एंड गेट योर आंसर। सो जो यहाँ से पी एस आपके सामने आएगा, द प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो बनेगा, डेट इज 23.4 mm। गॉट इट, आया समझ में। सो इस क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं होता, बस आपको क्या करना होता है, इसके क्वेश्चंस को इंटरप्रेट कीजिए और इंटरप्रेट करके आप इसका आंसर्स निकालेंगे। राइट, समझ में आया, फाइन। नाउ अब आगे देखिए, आप एक और मेथड हो सकता है इसका कि पहले आप मोल फ्रैक्शन निकाल लो, मोल फ्रैक्शन से फिर बाद में आप पी नॉट के वैल्यू पुट ऑन करके भी निकाल लो। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन वैसे ही जाता है, आप एक ही फॉर्मूला याद रखिए, उसके थ्रू भी कर सकते हो। मेथड को सॉल्व करने के एक से ज़्यादा मेथड भी हो सकते हैं। ठीक है, नाउ अब आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, यू हैव टू सॉल्व बाय योर ओन, फाइन। चलिए, सो दिस इज़ योर होमवर्क फॉर द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2% नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट
exerts a pressure of 1.004 bar. इसमें प्रेशर बार में है. एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट. ठीक है. व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. इस बार सॉल्यूट का मोलर मास पता करना है आपको. ठीक है. वेपर प्रेशर ऑफ वाटर दे रखा है आपको. वेपर प्रेशर ऑफ वाटर दैट इज 1.013 bar. ये 2016 का क्वेश्चन है. सॉल्व कीजिए. मैं आपको डेटा बता देता हूँ क्या क्या है. क्वेश्चन को पढ़िए. पी नॉट की वैल्यू पता लग गई आपको. पी नॉट ए कितना है 1.013 bar. ये चीज़ सामने ही पता लग गई आपको. वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन की अगर बात करें तो इसमें मतलब 2% NVS है. तो 2% NVS का मतलब क्या है. 2% का मतलब 2 ग्राम है ना. ये तो ये वेट हो गया. ठीक है. इस 2% पे बात करेंगे अभी. 2% पे इम्पॉर्टेंट है. तो इस 2% जो NVS दे रखा है वो कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है. इतना कर रहा है. मतलब ये सॉल्यूशन का प्रेशर दे रखा है. ये जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है उसका प्रेशर है 1.004 bar. ठीक है. अब इस 2% को समझिए. परसेंटेज का मतलब क्या होता है. ग्राम डिजॉल्व इन टोटल ग्राम्स. ठीक है. तो यहाँ पे वेट ऑफ बी पता लग गया दैट इज 2 ग्राम. सो वेट ऑफ सॉल्यूशन तो आपको 100 ग्राम होता ही है. तो वेट ऑफ सॉल्वेंट पता लग गया दैट इज कितना हो गया है 98 ग्राम. क्योंकि टोटल 100 ग्राम होता है. ठीक है. उसके बाद मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट क्योंकि वाटर है. साफ बोल दिया कि वाटर का वेपर प्रेशर है. तो इसका मतलब वाटर यहाँ पे डिजॉल्व सॉल्यूशन बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं दैट इज 18. ठीक है. और आपको निकालना है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. सो डेटा इंटरप्रेट सारा हो चुका है. आपको बस कैलकुलेशंस करनी है. कैलकुलेशन करके मोलर मास जो वेरीफाई करना प्लीज़ दैट इज 41.3 आना चाहिए आपका इन टर्म्स ऑफ ग्राम. फाइन. दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ दिस. सो मैं इसका एक लिंक भेज दूंगा आपको कि कुछ क्वेश्चंस हैं सो दैट यू कैन प्रैक्टिस इट आउट. ऑलराइट. थैंक यू.